हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडिया पोस्ट की तरफ से। GDS यानी ग्रामीण डाक सेवा की पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट फॉर बम्पर नंबर ऑफ सीट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स देखिए, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 40,500 मतलब 40,500 सीट्स के लिए वैकेंसी रहेगी, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो अगर आप भी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड। चलिए फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 40,500 सीट्स है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज। फॉर जनरल कैंडिडेट्स 12,406 सीट्स रहेगा, मतलब 12,406 सीट। फॉर ओबीसी 9,033 सीट्स आपको ओबीसी के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,324 है। एससी के लिए 7,679 एंड एसटी के लिए 6,737। सो ओवरऑल सीट्स बहुत अच्छा है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। फॉर्म की फी जो रहेगी फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज लिया जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट से फी नहीं चार्ज किया जाएगा। अब देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी। 18 वर्ष से 40 वर्ष मतलब 18 टू 40 इयर्स के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। और आपको पता है कि रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को 5 इयर्स का। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलिजिबिलिटी, कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जिन्होंने भी 10th पास कर रखा है, 10वीं पास, सभी बच्चे इलिजिबल रहेंगे। सेलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही आसान है, नो एग्जाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बिना किसी प्रोसेस से गुजरे हुए सीधे भर्ती आपकी हो जाएगी, कोई एग्जाम नहीं रहेगा, सिलेक्शन बहुत ही आसान है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मेरिट किस बेसिस पे आपका बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरिट बनता है आपका 10th के परसेंटेज से, आपके 10th में कितने परसेंट मार्क है इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो है ना, ये बहुत ही अच्छा, सीट भी अच्छा खासा है, सिलेक्शन प्रोसेस भी आसान है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या आपको दस्तावेज लगेगा फॉर्म भरते समय। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आपका होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। पता है कि 10th पास के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। फिर डोमिसाइल यानी आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी रिजर्व्ड कैंडिडेट है उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फ्रेंड्स, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी में एक और चीज़ होता है कि आपको ना कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना आना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और साइकिल चलाना कोई बहुत टफ काम नहीं है, अभी से भी आप चाहो तो सीख सकते हो, आसानी से लोग सीख जाते हैं। जॉब की लोकेशन की अगर बात करूँ कि किस स्टेट के लिए वैकेंसी आएगी, फ्रेंड्स ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी होगी। वैकेंसी आपका जोन वाइज होगा, सर्किल वाइज होगा, देखिए स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सीट्स को। तो जैसे ही ना डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, मैं वो भी बताऊंगी कि किस सर्किल किस जोन में कितना भर्ती आएगा। फिलहाल ये बता दूं कि इसका सैलरी क्या होता है। फ्रेंड्स, आपका 15,000 तक सैलरी दिया जाता है। इसमें एक ये भी चीज़ होता है ना कि अगर आप ज़्यादा टाइम्स मतलब 4 घंटे का मिनिमम होता है, अगर आप 5 घंटे सर्व करते हो तो सैलरी ज़्यादा मिलता है, इसमें छुट्टियाँ भी होती है। अब आप सोचेंगे कि 15,000 10,000 12,000 की सैलरी के लिए कोई क्यों जॉब करे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, और आगे कुछ अच्छा करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे आपको समय ही भी अच्छा खासा मिलता है। 4 घंटा 5 घंटे का ड्यूटी करने के बाद आप आसानी से आगे पढ़ाई कर सकते हैं, अपने बलबूते पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसका मोटो। फ्रेंड्स, अप्लाई का डेट क्या रहेगा, आपको पता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये फॉर्म आपका जुलाई के एंड तक हम सभी के बीच आ ही जाएगा। आपको पता है हर साल बम्पर नंबर की सीट आती है इंडिया पोस्ट GDS के लिए,
आई होप कि इसके रिगार्डिंग सारा डिटेल आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कुछ डाउट है, मन में कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट करके वहाँ पे आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।